सिंथोल के साथ एक टेलकम पाउडर के साथ टिक्किया मिलती है फ्री, वैसे ही एक मैनेजर के साथ मिलता है आपको एक चमचा फ्री। चमचा समझते हैं आप? इस बंदे ने सर के लिए एनुअल डे पे परफॉर्म किया था अकेले। पता कौन से गाने पे? वो तो सच है कि भगवान। मैं अपनी जिंदगी में जब पहले दिन ऑफिस पहुंचा ना, तो ऑफिस था 9:30 का, मैं पहुंचा 9 बजे। क्योंकि जिंदगी में ना आपका पहला दिन होता है जिसमें आप सबसे ज्यादा टाइम आप रिसेप्शन में बिताते हो। और 9:15 पे एकदम एक गेट खुला हमारे ऑफिस का, और वहां से परफ्यूम उड़ता हुआ आया। और फिर आई रिसेप्शनिस्ट। और रिसेप्शनिस्ट को देख के ना आपके मन में हमेशा 2 सवाल आते हैं, कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। पहला, ये इतना सुबह उठ के तैयार कैसे हो सकती है? और दूसरा, ये क्या सारी सैलरी अपने बालों पे खर्च करती है? उस लड़की के बाल बिल्कुल स्ट्रेट थे, बिल्कुल स्ट्रेट, इतने स्ट्रेट कि उसका बाल टूट के रजिस्टर पे गिरा, उसने लाइनें खींच दी। इतने स्ट्रेट। उतने में एक सर ने बोला कि अरे रजत आप आइए, अंदर आइए। मैं ऑफिस के अंदर पहली बार घुसा, मैंने कदम रखे ऐसे, जैसे घुसा अंदर सामने एक मंदिर था। मैंने फटाफट जूते मुझे उतारे, हाथ मुंह धोए और मैंने मंदिर मत्था टेका। तो उतने में बंदा भागता कह रहा, हेलो ये मेरा डेस्कटॉप है। क्योंकि आपके ऑफिस में कुछ लोग होते हैं जो अपने वर्क स्टेशन में सारे ही भगवान लगा लेते हैं, लगा लेते हैं। मैंने कहा आप है इस मंदिर के पंडित जी? मैं कहा पाए लागू, टीका लगाइए, प्रसाद दीजिए। कह रहा मेरा डेस्कटॉप है, कोई दिक्कत नहीं। गिव मी लाउड चेयर। आपके ऑफिस में कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर फॉर्मल कपड़े जचते हैं, उनको देख लगता ना कि प्रॉपर मैचिंग, प्रॉपर फिटिंग, भगवान ने क्या बनाया है इनको फॉर्मल कपड़ों के लिए। जब मैं देखता हूं ना अपने आप को उनके सामने, तो ऐसा लगता है जैसे असेंबल्ड CPU। कोई मैचिंग नहीं आ रही हमारी किसी भी चीज की। इन बंदों के लंच बॉक्स देखो आप, मिल्टन के लंच बॉक्स, मिल्टन के प्यारे प्यारे जिप वाले डिजाइनर लंच बॉक्स, या लंच बॉक्स हमारी तरह नहीं कि रीबॉक के थैले में संतरा डोलता जा रहा है। हमारी तरह नहीं था इनका लंच बॉक्स। जैसे हमने ऑफिस में काम स्टार्ट किया, हमें पहले दिन बता दिया गया था कि एवरीथिंग शुड बी ऑन ईमेल, नो वर्बल कम्युनिकेशन। कह रहे तुम ऋषि मुनि नहीं हो, तथास्तु कहते फिरो। अब मैं बता दूं कि देयर इज अ रूल कॉल्ड 80-20। यू नो दिस रूल? जिंदगी और कॉर्पोरेट लाइफ का रूल है 80-20, विच सेज आप 80% एफर्ट से 20% काम करते हो और 20% एफर्ट से 80% काम। वो जो 80% एफर्ट से 20% काम करते हो वो होता है ईमेल से। और जो 20% एफर्ट से जो 80% काम होता है, होता है भाई प्लीज कर देना प्लीज। फिर बताया कम्युनिकेशन शुड बी क्रिस्टल क्लियर। अब मुझे आप जितने भी यहां लोग बैठे हो, अपने दिल पे सहारा प्रणाम करके बताओ कि आपकी जिंदगी में ऐसा टाइम कब आया जब आपने क्लाइंट को मेल में लिखा नो, भेज दिया। इससे क्रिस्टल क्लियर कोई चीज है? नो मींस नो। आप क्लाइंट को नो नहीं लिख सकते ऐसे। क्लाइंट को नो लिखने की विधि अलग है। पहले 25 पेज का खूबसूरत निबंध बनाया जाएगा जिसके बोल हैं, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। आप जैसा क्लाइंट मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। फिर आखिरी में ये काम नहीं हो पाएगा। हमारे ऑफिस में जलूल जलूल आना, दर्शन अभिलाषी रजत चौहान, और भेज दो। जो होता है हमारे साथ। अच्छा आप तीनों अकाउंट्स, सारे अकाउंट्स हो, अकाउंट्स वालों तुम्हें मैं एक संदेश देने जाता हूं, बिस्मिल का संदेश सुनो इन सब के बिहाफ से, कि कुछ चीजों के बिल नहीं होते। समझो, हर अकाउंट्स टीम कैसे बनती है बताता हूं, हर ऑफिस में कैसे बनती है। एक ऊपर होता है सीए, उसके नीचे होते हैं 5 अधूरे सीए। अधूरे समझते हैं आप?
इनके पेपर निकले पर दिल से तो सीए हैं ये, और ये बताते हैं कि उस सीए से हम अच्छे हैं। और अकाउंट्स वालों ने जिंदगी में सिर्फ दो मेल रखी है ड्राफ्ट में, रखी हुई है जिंदगी भर के लिए। वो मेल है पहली बिल मिसिंग और दूसरा मिसिंग मेल। यही आता है जिंदगी में इन लोगों को। मुझे जज मत करना, आपके ऑफिस में ना कुछ लड़कियां होती हैं जो होती हैं आई कैंडी। जितने भी पति हैं पत्नी हैं, अपने पति को देख लो एक बार ढंग से, इनके अंदर का आदमी निकल आया है। हमारे ऑफिस में लड़की थी भाई, देखो थी वो आई कैंडी। वो जब भी ना फ्लोर पे आती थी ना और वो थी गुड मॉर्निंग, हमारी गुड मॉर्निंग हो जाती थी। वो 5 दिन आती थी ऑफिस, 5 दिन और डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस करके आती थी। उसकी फेवरेट हमें नहीं पता कौन सी थी, बट हमने अपने मन में उसकी ब्लैक ड्रेस बना रखी थी कॉमन। सुबह सुबह डिस आज ब्लैक में आई यार। वो हमारे फ्लोर पे आके ना जहाँ खड़े होकर बात करती थी, हमने उस जगह का नाम रखा था स्टैचू पॉइंट। उस जगह का नाम रखा था। और उस लड़की ने हमें सिखाई कि टीम बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। वो एक दिन यहाँ खड़े होकर बात कर रही थी क्यूबिकल पे और अपने इयररिंग पे हाथ लगा रखा था उसने, तो ना इयररिंग के पीछे स्टॉपर होता है एक, वो स्टॉपर उसका नीचे गिर गया। ओ मेरा स्टॉपर। तो इतने में फ्लोर पे 30 लड़के जमीन पे लेटे हुए थे। स्टॉपर स्टॉपर स्टॉपर। उतने मैनेजर आया, कह रहा क्या हुआ? कह रहा सर मॉक ड्रिल चल रही है। फिर ना आपको ऑफिस में मिलते हैं मैनेजर, आपको एक असाइन होते हैं मैनेजर। तो बताऊं मैनेजर दो तरह के होते हैं, एक होता है अच्छा मैनेजर और एक होता है तुम्हारा मैनेजर। जो लोग हंस रहे हैं उनका वीडियो बन चुका है, मैं तुम्हारे मैनेजर को भेजने वाला हूं ब्लैकमेल करने के लिए। एक तो ना मैनेजर का देखो जिंदगी में कुछ भी करना, मैनेजर का कभी ईगो हर्ट मत करना, ठीक है? एग्री। और एक चीज याद रखना कि मैनेजर अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पास कभी भी आए इस एटीट्यूड से कि गाइस वी गॉट द प्रोजेक्ट, तो अंदर से बता दूं कि तुम्हारे 2 वीकेंड तो गए हैं। और एक होता है डेडलाइन, यू नो दिस टर्म कॉल्ड डेडलाइन। क्या होता है डेडलाइन? एक दिन मेरा मैनेजर रूम में आया, कर रजत वी गॉट द प्रोजेक्ट। वही समझ में आ गया कि मेरे विकेट गए। कर रजत वी हैव टू डू दिस प्रोजेक्ट इन 20 डेज। और 20 डेज मतलब अगर मैं पैरों से ऐसे जीभ से और ऐसे से करके लैपटॉप से टाइप करूँ ना तब भी 20 दिन में नहीं होगा। कह रहा 20 दिन, मैं कहा सर पॉसिबल नहीं है। कह रहा यार वाई और नेगेटिव। मैं कहा सर पॉसिबल नहीं है। कह रहा रजत वी हैव टू डिलीवर दिस प्रोजेक्ट इन 14 डेज। 20 कह रहा इंटरनल डेडलाइन 14 दिन। मैं कहा सर हो ही नहीं सकता। कह रहा रजत वी हैव 336 आवर्स, 20,160 मिनट्स। मैं कहा सर पहले उसी टाइम का छंदी विच्छेद करना बंद करो और अगर ऐड करना है तो उसमें ऐड करो। कह रहा क्या? मैंने कहा डेडलाइन में 2 एम्प्लॉय की लाशें, 2 के डाइवोर्स, 2 के ब्रेकअप, तब बनेगी डेडलाइन पूरी है, ऐसा ना। और मैनेजर की प्रॉब्लम क्या होती है कि मैनेजर को ना साथ आपको मिलते हैं सिंथॉल के साथ एक टेलकम पाउडर के साथ टिक्किया मिलती है फ्री, वैसे ही एक मैनेजर के साथ मिलता है आपको एक चमचा फ्री। चमचा समझते हैं आप? चमचा क्या होता है? चमचा होते हैं बॉस की मीरा। यू नो मीरा, जो बॉस के प्यार में पागल। पागल सर का लाडला, सर से गुगली गुगली विश करते हैं। इस बंदे ने सर के लिए एनुअल डे पे परफॉर्म किया था अकेले, पता कौन से गाने पे? वो तो सच है कि भगवान। इस गाने पे इसने परफॉर्म किया सर के लिए। मतलब इस लड़की से पूछो ना कि सर आपको बीवी कैसी चाहिए, कह रहा सर जैसी। और ये एक नंबर का घटिया आदमी होता है, कुछ नहीं काम जिंदगी में से। ये वो आदमी जो नफरत है इस आदमी से। इसका काम ये था, यहां से मेल लिखता था मुझे, ऐसे मेल लिख और भेजा और फिर आ जाएगा मेल मिली। आप जब खुद ही आ रहे थे तो हांसी ले आते आप। आपको नहीं समझ में आता कि पहले सर्वर पे जाती है मेल, फिर वापस आती है घूम घाम के, उन्हें नहीं पता कौन सा ना। कोई बात, इस चमचे के से हमारे ऑफिस में एक बंदे की जॉब गई थी एंड आई विल टेल यू द ट्रू रीजन। टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज समझते हैं होती है,
तो ना उसके लिए डमशराज एक अच्छी गेम है। तो हुआ क्या कि एचआर ने बोला कि चलो सब बच्चों की हम टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज कराएंगे ताकि लोगों के बीच में कम्युनिकेशन क्लियर हो। अब मैं आपको बता दूं कि मैं डमशराज का मैं वन ऑफ द घटिया प्लेयर हूं दुनिया में, एंड टुडे आई विल प्रूव यू। कि एक बार हम कॉलेज में डमशराज पढ़े, तो एक दोस्त ने मुझे फिल्म का नाम दिया, तो जैसे उसने फिल्म का नाम दिया तो सामने कार खड़ी थी और एक पत्थर था मेरे यहाँ पे से पड़ा हुआ, मैंने उठाया और गाड़ी के पीछे रख दिया। मैं कहा जल्दी गैस करो मूवी का नाम। मूवी का नाम था गुप्त। पता चुका था गुप्त, तुम भी नहीं गैस कर पाए तुम लोग ना। तो अब इतिहास दोबारा से रिपीट होने लगा था। हमारे ऑफिस के अंदर डमशराज खेली जा रही है, सामने का दोस्त है उसे गैस करनी है, मुझे दी जाएगी। एक बंदे ने मुझे मूवी का नाम दिया, जैसे उसने मूवी का नाम दिया मेरा एक हाथ बाय डिफॉल्ट चमचे की तरफ चला गया। तो मेरे दोस्त को मुझे निकला हरामखोर। एंड ही वॉज राइट, क्योंकि नवाजुद्दीन की मूवी है हरामखोर। दिक्कत ये नहीं हुआ, फिर ये बंदर हो गया, ये रोता हुआ मैनेजर के पास गया, त्राही माम त्राही माम त्राही माम त्राही माम। मैनेजर ने उसको बुलाया, कह रहा तुम मुझे मेल पे लिख के दो कि तुम्हें हरामखोर मूवी समझ कैसे आई। कह रहा ये रहा आईडी कार्ड, ये लिख नहीं पाऊंगा कभी। हाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पर जाने से पहले एक पर्सनल बात कि लास्ट के दो तीन सालों से ना मेरी बकेट लिस्ट में कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, माइनस कुछ नहीं हुआ। तो ये समझ गया कि अगर इस साल भी मैंने अगर कुछ स्टेप नहीं लिया तो ये बकेट ओवरफ्लो कर जाएगी। तो मैंने स्टार्ट किया है इन्वेस्ट करना क्रिप्टो में, वो भी कॉइन स्विच क्विबर ऐप पे। एक तो ये इंडिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा यूजर है और मिनिमम 100 रुपीज से मैं अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट कर पाया। मैंने कहा आज नहीं तो कल कुछ तो बदलेगा यार, क्रिप्टो खरीदना इतना आसान है इस प्लेटफॉर्म पे लाइक ऑर्डरिंग फूड। तो मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में लिंक, अगर आप डाउनलोड करते हो ये ऐप तो आपको मिलेंगे फ्री 50 रुपीज के बिटकॉइन। एंड ध्यान रखिए, पहले रिसर्च कीजिए, लर्न कीजिए एंड फिर इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।